मैड्रिड स्पेन का वो सिटी है जहाँ दुनिया से लोग आते हैं यहाँ का आर्किटेक्चर देखने, म्यूजिक सुनने, कल्चर को एक्सप्लोर करने और टेस्टी सा खाना एंजॉय करने। सो फाइनली आई मूव्ड फ्रॉम कराची टू मैड्रिड अपनी न्यू जिंदगी का आगाज करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट रोड एक्सपीरियंस, शॉपिंग एंड अ कप ऑफ कॉफी। खर्च करने के लिए पैसों का बंदोबस्त भी हो गया। आई हैव जस्ट रिसीव्ड माय बैंक कार्ड। सो चलें अपने सफर की शुरुआत करते हैं बाइक पे। यहाँ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ड्राइवर हों या पैसेंजर, दोनों को हेलमेट पहनना होता है। यहाँ आकर पता लगता है कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में किस तरह से रहा जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक ना करना, जेब्रा क्रॉसिंग पर पेडेस्ट्रियन के लिए रुकना, साइन रूल्स एंड रोड लेन्स को फॉलो करना, सिग्नल खुलने का इंतज़ार करना, ट्रैफिक पुलिस का जगह जगह ना खड़े होना, बिना खौफ और परेशानी के घर से किसी भी वक्त बाहर जाना, ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई थी। A nearest shopping center from my house. ये मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ आने के बाद वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। आर्किटेक्चर के लिहाज से इस्ला सोल स्पेन का पहला शॉपिंग मॉल है जहाँ ETFE कवरिंग इस्तेमाल हुई है, जिससे सनलाइट मॉल को एक यूनिक और अट्रैक्टिव लुक देती है। लेकर चलती हूँ और साथ ही थोड़ी शॉपिंग भी करती हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ ज़ारा'स ड्रेसेस, बट रीजन अलग होने की वजह से ज़ारा'स की कलेक्शन भी यहाँ डिफरेंट है। ज़ारा'स की डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव टीम स्पेन बेस्ड है, जो कि ऑलमोस्ट 55% यूरोपियन मार्केट को कवर करती है। ज़ारा'स की हाई फैशन कलेक्शन यूरोप के लिए स्पेन में तैयार की जाती है, जबकि बेसिक आइटम एशिया से तैयार होते हैं, लाइक टी शर्ट, जीन्स एंड बेसिक एक्सेसरीज। क्योंकि यूरोप में फैशन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, इसलिए ज़ारा'स का हेडक्वार्टर भी स्पेन बेस्ड है। Thank you.
मुझे डेली रूटीन और स्किन केयर की कुछ चीज़ें लेनी हैं। यहाँ पर कॉस्मेटिक, स्किन एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड तमाम छोटे बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिसकी प्राइस रेंज मिनिमम 1 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक हो सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है और अब हम चलते हैं बिल बनवाने। मीडिया मार्केट। अब मैं आपको यूरोप की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का विजिट करवाती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज एक ही जगह मिल जाती है और आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी चीज विद इन 30 मिनट्स ले सकते हैं। ये बात मेरे लिए बहुत अमेजिंग है कि यहाँ से ली गई प्रोडक्ट्स को विद इन 60 डेज में रिटर्न बैक भी किया जा सकता है 100% कैश बैक पे, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो। लेफ्टीज से मुझे कुछ कैजुअल ड्रेसेस लेने हैं, तो चलें अब अंदर चलते हैं। कैजुअल ड्रेसेस के एतबार से मुझे लेफ्टीज बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी क्वालिटी, डिज़ाइन और कलर हर सीज़न के लिहाज से डिफरेंट और यूनिक होते हैं। मैड्रिड की अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ हर एक इंडिविजुअल ब्रांड पर आपको तमाम एसेसरीज मिल जाती हैं, लाइक शूज, ज्वेलरी, बैग, ड्रेसेस वगैरह। इस वक्त मैड्रिड का मौसम चेंज हो रहा है और विंटर्स आने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे विंटर के स्टफ भी नजर आ रहे होंगे। शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है और अब हम चलते हैं सेल्फ चेकआउट की तरफ। यहाँ आपको लाइन में लगना नहीं पड़ता और सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप खुद ही बिल पे कर देते हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बिल पे किया। तमाम आइटम्स को बकेट में डालेंगे, स्कैनर खुद आइटम्स को स्कैन करके प्राइस स्क्रीन पर शो कर देता है, इंक्लूडिंग शॉपिंग बैग। वंस तमाम आइटम स्कैन हो गए तो मैंने कार्ड से इसकी पेमेंट की। Thank you.
तमाम कपड़ों के हार्ड एक्स को रिमूव किया। चेकआउट कर दिया। ऑलमोस्ट 4 घंटे गुजरने के बाद हमारी शॉपिंग भी मुकम्मल हुई। आई एम गेटिंग टू मच टायर्ड, तो इसलिए मैं आ गई हूँ फूड कोर्ट। यहाँ सबसे बड़ा इशू यह है कि हर जगह हलाल फूड इजीली नहीं मिलता, इसलिए हमें बहुत देखभाल के खाने की सिलेक्शन करनी पड़ती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये फर्स्ट व्लॉग पसंद आया होगा। रात भी हो चुकी है, तो चलें अब घर की तरफ मूव करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी इस तरह के व्लॉग्स बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Oh,